क्या होगा अगर आपने 30 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया। दोस्तों, अगर आप जरूरी कामों का पालन नहीं करते तो आपको इसके अपने परिणाम भुगतने होंगे, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। अगर आप खाना नहीं खाते हो तो आपको इसके अपने परिणाम भुगतने होंगे। अगर आप नहाते नहीं हो तो इसके अपने परिणाम होंगे। अगर आप ब्रह्मचर्य की मर्यादाओं का पालन नहीं करते हो तो इसके अपने परिणाम होंगे। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की मर्यादाओं का पालन नहीं करता है अत्यधिक गंदे गलत कामों में फंसा रहता है, अपने शरीर की बहुमूल्य चीज को बार बार नष्ट करता है, तो ऐसे व्यक्ति में संतान उत्पन्न की क्षमता नष्ट हो जाती है। स्पर्म काउंट जो होता है वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे वह भविष्य में पिता बनने के लायक नहीं रहता है। तो इसलिए हर चीज जो है वो मर्यादा में रहती है तो सही रहती है, ठीक है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। देखिए, ब्रह्मचर्य एक चीज है और यह भी ब्रह्मचर्य का ही एक हिस्सा है। भगवान हनुमान को ब्रह्मचारी कहा जाता है, उन्होंने विवाह नहीं किया, यह एक बात है। लेकिन यहाँ जो बताया गया है वह यह है कि भले ही वह एक बंदर थे फिर भी वह अपने काम में पूरी तरह से केंद्रित थे और भगवान राम के प्रति समर्पित थे। हम सभी जानते हैं कि उनका दिमाग बंदर जैसा था, लेकिन भगवान हनुमान अपने दिमाग को पूरी तरह से नियंत्रित करके कर सकते थे। यही ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है। जब हम अपना समय पूरी तरह से किसी चीज़ के लिए समर्पित करना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें कई अन्य चीज़ों को छोड़ना पड़ता है जो हमारा समय और ऊर्जा लेती हैं। उस समय और ऊर्जा का उपयोग अब हमें थकान, ध्यान भटकाने, अनावश्यक गतिविधियों पर अधिक सोचने आदि से बचाने के लिए किया जा सकता है। हर काम संतुलित तरीके से करना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा भोग विलास और ना ही बहुत ज़्यादा दमन। संतों ने शादी की और बच्चे पैदा किए, लेकिन इससे उनका ध्यान भगवान पर नहीं गया, भगवान से नहीं भटका। ठीक वैसे ही जैसे समूह में महिलाएं अपने सिर पर पानी का घड़ा रख कर चलती हैं, बातें करती हैं, उनका ध्यान भी घड़े पर था ताकि पानी गिरे ना, और वे बातें भी करती रहती हैं और घड़े का जो पानी होता है वो भी नहीं छलकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने मन को समझा सकते हैं, दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अनावश्यक विचार भी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। इसलिए 30 दिनों का ब्रह्मचर्य मन और ध्यान को अनुशासित करने जैसा होगा। अगर आप इसी अन्य गतिविधियों में नहीं लगाते हो, अपने मन को किसी काम में नहीं लगाते हो, कि इसे व्यस्त नहीं रखते हो, तो आप अधिक आसानी से ध्यान केंद्रित कर पाओगे। कि अगर आप किसी काम में अपने मन को बिंधाए रहते हो, व्यस्त रखते हो, तो आपके मन में कभी भी कोई भी निगेटिव थॉट नहीं आएगा, ठीक है, और आप हमेशा पॉजिटिव सोचोगे और आप हमेशा अपने काम में व्यस्त रहना। प्राचीन भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य का वर्णन मिलता है, जिसमें सनातन धर्म के ऋषियों ने आध्यात्मिक यात्रा के लिए ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण बताया है। लेकिन जिस ब्रह्मचर्य की बात हमारे ऋषि मुनियों ने की थी उसको आज ज़्यादातर गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। ये बात मुझे इसलिए यहाँ पे कहनी पड़ रही है क्योंकि जब मैंने YouTube पे ब्रह्मचर्य के बारे में सर्च किया तो बहुत से रिजल्ट मेरे सामने आए, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आप मात्र 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हो तो आपको असाधारण शक्ति प्राप्त हो जाएगी, आप हवा में उड़ने लगोगे, ठीक है, पानी पे दौड़ने लगोगे। ऐसी ऐसी बातें मुझे यहाँ पे देखने को मिलती हैं ब्रह्मचर्य के बारे में। तो ये गलत तरीके से ब्रह्मचर्य को पेश किया जा रहा है। आप कभी, जैसे कि आप कभी बीमार नहीं होंगे और आप अपने जीवन में जो भी भौतिक सुख सुविधाएं पाना चाहते हो उसको बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लोगे। ऐसी ही लुभाने वाली बातें वीडियो में बताई जाती हैं, जिससे लोगों का समय बर्बाद होता है और वो ब्रह्मचर्य को सही तरीके से कभी जान ही नहीं पाते हैं। वैसे इंटरनेट की दुनिया में ज़्यादातर लोगों का मकसद होता है पैसा कमाना, वो फिर चाहे लोगों को गलत जानकारी देकर ही क्यों ना कमाया जाए। इसलिए ब्रह्मचर्य को लेकर इतना झूठा प्रचार किया जा रहा है। जहाँ तक मैंने ब्रह्मचर्य को लेकर जो अध्ययन किया है, जो मैंने स्टडी की है ब्रह्मचर्य के ऊपर, वो इन सब बातों से बिल्कुल अलग है। आगे मैं वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा आपको ब्रह्मचर्य से संबंधित हर छोटे बड़े सवाल का जवाब बहुत ईमानदारी से दूँ, ताकि आप ब्रह्मचर्य की सच्चाई को जान पाएं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ब्रह्मचर्य का सीधा सा अर्थ। यह होता है आपकी जीवनचर्या ब्रह्म की तरह हो जाना। अर्थात जब मनुष्य का आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होने लगता है
तो उस मनुष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है। देखिए ब्रह्मचर्य से संबंधित मैं आपके लिए इस चैनल पे वीडियो लेके आता रहूँगा, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है मैं यहाँ पे ब्रह्मचर्य की कई वीडियो डाल चुका था, ठीक है। बाकी कुछ वीडियो मुझे यहाँ से हटानी पड़ी थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद नहीं आई है तो 10-15-20 लोगों से डिसलाइक करवा देना, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।